Hello everyone, welcome back to my channel. This is Geethi and this is another video from my Noida Diaries. और आज मैं आपको लेके आई हूँ एक स्टोर का टूर देने. तो मैं बात कर रही हूँ रूहानिया अपैरल की, जो नोएडा में है, और इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के एंड तक देने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा. तो चलिए आपको देते हैं एक क्विक टूर रूहानिया अपैरल का, जहाँ आपको हर टाइप के ड्रेसेस मिल जाते हैं. लाइक मतलब अगर आप एथनिक प्रेफर करते हो तो ये स्टोर में आपको बहुत सारे कलेक्शन. एंड सिंस मैं यहाँ की पुरानी कस्टमर हूँ, तो चलिए आज आपको भी कराते हैं रूहानिया अपैरल का टूर और दिखाते हैं इनका न्यू कलेक्शन. सो एज वी ऑल नो, फेस्टिव सीजन इज अराउंड द कॉर्नर एंड ये साल का वो वक्त होता है जहाँ हम खूब सारी शॉपिंग करते हैं, बिकॉज हमें हर फेस्टिवल के लिए एक अलग लुक चाहिए होता है. और मुझे तो एथनिक वेयर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब भी मैं दिल्ली आती हूँ तो मैं यहाँ से शॉपिंग ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इनके पास एथनिक वेयर का एक बहुत ही शानदार कलेक्शन है. तो आपको यहाँ पर हर टाइप के एथनिक वेयर्स मिल जाते हैं. लाइक अगर आप लाइट वर्क वाले एथनिक ड्रेसेस पसंद करते हो, या हैवी सूट पसंद करते हो, प्लाजो सेट पसंद करते हो, या नॉर्मल कुर्ती, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी रेंज देखने को मिल जाती है. सो अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैं थोड़ा सा फैब्रिक को लेके हमेशा चूज़ी रहती हूँ, क्योंकि मुझे फैब्रिक सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है. प्रिंट एंड डिज़ाइन तो मुझे वैसे भी पसंद आ जाती है, बट फैब्रिक रियली मैटर्स टू मी. और यहाँ की खास बात यही लगती है मुझे कि यहाँ पे हर फैब्रिक का कपड़ा भी आपको मिल जाता है. लाइक अगर आप कोई कॉटन ड्रेस ढूंढ रहे हो, जॉर्जेट ढूंढ रहे हो, शिफॉन ढूंढ रहे हो, तो आपको हर टाइप की यहाँ पे वैरायटी मिल जाती है. और एक ही प्लेस पे इतनी वैरायटी जब मिल जाए तो फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो मैंने तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ट्राई किए थे, बिकॉज मुझे यहाँ के कलेक्शन, रीसेंट कलेक्शन बहुत पसंद आए थे. फेस्टिवल सीजन चल रहा है इसलिए शायद इन्होंने अपना कलेक्शन अपडेट भी कर रखा था, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मुझे पसंद आ रहे थे यहाँ पर, और मैंने उन्हें ट्राई भी किया था, क्योंकि इनके पास ट्रायल रूम फैसिलिटी भी है जहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो. तो साइज़ का भी इशू नहीं होता जनरली, अगर आप अपने लिए शॉपिंग कर रहे हो तो आप आराम से एक लुक ले सकते हो कि आप कैसे लग रहे हो उस कपड़े में, एंड आपके लिए सिलेक्शन करना और भी ईजी हो जाता है. एंड एज यू कैन सी द सेटअप बिहाइंड मी, यहाँ पे हर कुछ डिस्प्ले में लगा है. तो आप जिस भी टाइप की ड्रेस ढूंढ रहे हो, लाइक अगर आप हैवी सूट ढूंढ रहे हो, या सिर्फ आप डेली कैजुअल वेयर ढूंढ रहे हो, या फिर आप ऑफिस जाने के लिए कोई कुर्ती सेट ढूंढ रहे हो, तो आपको सब कुछ डिस्प्ले में दिख जाता है और इससे बहुत ईजी हो जाता है आपका सिलेक्शन करना. कलर ऑप्शंस भी हैं एंड हर तरह के साइजेस भी आपको अवेलेबल दिखेंगे, और काफ़ी डिफरेंट पैटर्न्स भी है. तो अगर आप ऑफिस के लिए कोई आउटफिट ढूंढ रहे हो, या फिर किसी फंक्शन के लिए ढूंढ रहे हो, आपको यहाँ पे हर कुछ मिल जाएगा. और ये सेक्शन तो मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था, बिकॉज यहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए भी एथनिक ड्रेसेस लगे हुए थे. और मेरी नीस है समायरा, जिसको आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, तो मैं उसके लिए ड्रेसेस देख रही थी, क्योंकि यहाँ पे रेडीमेड आपको पूरा सूट सेट मिल रहा था, और काफ़ी अच्छे प्रिंट्स भी थे, और फैब्रिक तो था ही कंफर्टेबल. और जैसा कि मैंने आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे आपको ब्रांडेड कपड़ों का भी बहुत ही शानदार कलेक्शन देखने को मिलेगा. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्रांडेड स्टफ़ लगे हुए हैं, और इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस भी इनके पास अवेलेबल थे, जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है. अगर आप अपने आपको कुछ अलग लुक देना चाहते हो फेस्टिवल सीजन पर, तो आप इंडो वेस्टर्न कुछ ट्राई कर सकते हो. साथ ही साथ इनके पास कैजुअल टॉप भी थे, डेली वेयर टॉप वगैरह अगर आप ढूंढ रहे हो, उसका भी कलेक्शन के पास था. और यस, ब्रांड्स लाइक विशफुल, रंगरीति, लिबास, बीबा एंड मेनी मोर आर ऑल्सो अवेलेबल इन दिस शॉप. तो आप इनका कलेक्शन इस फेस्टिव सीजन ज़रूर चेकआउट करना. अगर मैं बात करूँ इस शॉप की लोकेशन की, तो यहाँ की लोकेशन बहुत ही आसान है. सेक्टर 122 नोएडा के पास है ये. अगर आप परथला ब्रिज जानते होंगे, तो परथला ब्रिज से नीचे आपको सर्विस लेन में आना है, और सर्विस लेन में आने के बाद आपको ये कट मिलेगा. ब्लैक बक कॉफ़ी शॉप के बिल्कुल पास में ये कट आपको देखने को मिलेगा, और इसी कट में आपको मैं एंड तक दिखाऊंगी, पूरी शॉप तक लेके जाऊंगी. तो इस कट में आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हो. नीचे जाने के बाद आपको फर्स्ट लेफ्ट कट लेना है. फर्स्ट लेफ्ट कट लेते ही आपको रूहानिया अपैरल का बोर्ड दिख जाएगा, तो वहाँ से आप फिर यहाँ तक पहुँच सकते हो. और वैसे तो आप चाहो तो गूगल मैप
की हेल्प से भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, क्योंकि मैं भी मैप के थ्रू ही पहुँची थी। रिसेंटली हमने दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट किया है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने भी मैप का यूज़ किया था। तो आप गूगल मैप से भी ईजिली यहाँ तक पहुँच सकते हो। आपको सिर्फ डालना है रूहानिया अपैरल, और फिर आपको पूरा एड्रेस भी दिख जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में आप इनका पूरा एड्रेस भी चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, सो दैट आपको फ्यूचर की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हर हर महादेव।